एक क्वेश्चन नंबर 5 का जो फिफ्थ पार्ट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें इधर x square plus 3x plus 3x plus 9 ये मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया पी आई बना दिया इसका 6 का 3 plus 3 करके लिख दिया इसको ठीक है x plus 2 इन दोनों में 2 कॉमन ले लें x square minus 9 x minus 2 x कॉमन ले लें दोनों में से x plus 3 यानी 3 कॉमन ले लें x plus 3 9 को 3 का स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 3 कॉमन लिया x प्लस 3 बाकी बच गया ये दोनों में से कॉमन लिया पहले में से x बच गया दूसरे में 3 और ये x प्लस 2 2 इनटू एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में अब इन दोनों पे एलसीएम क्या आएगा पहले पहले 2 आ गया x प्लस 3 दोनों में था कॉमन आ गया और जो नॉन कॉमन है दोनों एक x प्लस 3 है और एक x माइनस 3 एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर पर जब डिवाइड करूंगा तो दोनों x प्लस 3 वाले कैंसिल हो जाएंगे 2 बचेगा और x माइनस 3 बचेगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ वो x माइनस 2 है फिर माइनस साइन 2 भी कैंसिल हो गया x प्लस 3 भी और x माइनस 3 भी बाकी क्या बच गया x प्लस 3 इसको दूसरी रकम के न्यूमिरेटर के साथ जो मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 2 इनटू x प्लस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 2x स्क्वायर 10x प्लस 12 x स्क्वायर ये माइनस साइन की वजह से सारी साइन अंदर वाली क्या हो जाएगी चेंज टू एक्स के ये एक्स के बाकी बच गया एक्स के ये टेन और फाइव कितना हो गया 15x और 12 में 6 माइनस कर दें 6 ओवर 2 इनटू एक्स प्लस 3 कितनी मरतबा है दो मरतबा स्केयर बना दिया और एक्स माइनस 3 इसमें अलग अलग करके ले लेते हैं पहले दोनों को कैसे ले लेते हैं x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 फर्स्ट जो है हमारे पास फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम पर जो डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा x प्लस 1 आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे का वैसा फिर माइनस साइन आप इस डिनोमिनेटर को एलसीएम पर डिवाइड करेंगे x माइनस 1 आएगा अगले स्टेप में इसको जो वो साइन चेंज करते हैं और ये दोनों रूप में वैसे की वैसे साथ लगा देते हैं x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 4 over x 4 minus 1 ये x x से cancel हो जाएगा 1 plus 1 2 x square minus 1 2 over x square plus 1 4 over x 4 minus 1 अब इन दोनों का LCM ले लेते हैं ठीक है इन दोनों का LCM क्या आ गया x square minus 1 into x square plus 1 denominator को LCM पर divide करेंगे answer क्या आएगा हमारे पास x square plus 2 2 से multiply करेंगे फिर minus 2 into x के माइनस 1 4 ओवर x 4 माइनस 1 2x 2 प्लस 2 2x 2 प्लस 2 ये भी दो बार तो x का स्क्वायर बना दिया 1 का भी स्क्वायर और ये 4 ओवर x 4 माइनस 1 ऐसे कर रहा था ये 2x के 2x स्क्वायर से कैंसिल 2 और 2 कितना हो गया 4 x 2 का स्क्वायर क्या होगा x 4 और माइनस 1 4 ओवर x 4 माइनस 1 ये प्लस वाली ये माइनस वाली आपस में कैंसिल हुए आंसर क्या आ गया 0 आ गया